एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से लगातार हिंदू धर्म और उनके आराध्य पर विवादित बयान दे रहे हैं। अब उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हिंदू धर्म को एक धोखा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लगातार मना करने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य रुक नहीं रहे हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। लोग अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इस बयान को गलत ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान के लिए अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी बयान देते हैं। इस बयान के बाद अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में है। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बयान के लिए पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।